हेलो एवरीवन, लर्नर प्लस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के नेक्स्ट 10 भाव को देखते हैं। पहला भाव है बैक। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बैक। क्या प्रोनाउंस करेंगे? बैक। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है पीछे हटना, पीछे जाना, समर्थन करना या मदद देना। राइट, मीन्स किसी को हम लोग हेल्प करते हैं पीछे से, तो वही होता है मदद करना, मीन्स बैक। और इसका इंग्लिश मीनिंग है गिव फाइनेंशियल मटेरियल और मॉरल सपोर्ट टू, मीन्स हम लोग फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर रहे हैं, बहुत जरूरत है उसको, तो पीछे से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या तो हम लोग उसको मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, इन द सेंस कि नैतिकता के भाव से हम लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं। राइट, और वॉक और ड्राइव बैकवर्ड, या तो हम लोग पीछे की ओर कभी कभी चलते हैं, राइट, या तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग गाड़ी को, कार को, और रिवर्स डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो उसको भी क्या होता है, बैक करना होता है, मीन्स हम लोग बैक जा रहे हैं। राइट, तो ये वर्ब का वर्ड जो हमारा बैक है किस तरह यूज होता है हम लोग को पता चल रहा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। तो पास्ट सिंपल में बैक्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बैक्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैकिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैक्स। राइट, अब बैक से रिलेटेड एक हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। आई पुट द कार इन रिवर्स एंड बैक टू द रोड, मैंने कार को रिवर्स में रखा और वापस सड़क पर आ गया। राइट, मीन्स कहीं पार्किंग पे होगा हमारा कार, तो क्या करना पड़ता है, जब पार्किंग हम लोग लगा देते हैं उसके बाद हम लोग रिवर्स लेके हम लोग को पीछे आना पड़ता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको मीन्स रनिंग रोड में रखते हैं, और फिर हम लोग उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाल लेते हैं गाड़ी को। राइट, चलिए नेक्स्ट वर्ब। नेक्स्ट वर्ब हमारा है क्या, बेक। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बेक। क्या प्रोनाउंस करेंगे बरोबर? बेक। ठीक है, वो बेक था, ये बेक। ओके, उसका मतलब क्या होता है? सेंकना। क्या इसका हिंदी मीनिंग होता है? सेंकना। इंग्लिश मीनिंग से और बेटर उनको समझ में आएगा। इंग्लिश मीनिंग इसका है कुक फूड बाय ड्राई हीट विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू अ फ्लेम। ये बोल रहा है कि बिना मीन्स फ्लेम में ले जाए कोई भी चीज़ को हम लोग को पकाना है, मीन्स उसको बेक करना है, वही उसका करना होता है, मीन्स फ्लेम में उसको नहीं, ना ही उसको बॉयल करना है, उसको क्या करना है, बेक करना है। बेक का मीन्स हम लोग को क्या करते हैं, ड्राई हीट होना चाहिए वहाँ पे, है ना, ना ही फ्लेम में हम लोग को ले जाना है, ना ही बॉयल्ड वाटर में ले जाना है। ओके, टिपिकली इन एन ओवन, जो हम लोग का ओवन, माइक्रो ओवन जो यूज़ होता है, जो कि नॉर्मली हाउसेस में होता है, बट जो मेन ओवन होता है, बड़ा बड़ा ओवन, वो सब होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह यूज़ करता है, मीन्स पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए, जनरली वो पेस्ट्री डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चला बेक वर्ड कहाँ यूज होता है, मीन्स हम लोग को कोई भी ड्राई चीज़ से, मीन्स ड्राई पोजिशन से हम लोग कोई भी चीज़ को कुक कर रहे हैं। राइट, चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बेक्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बेक्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेकिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेक्स। राइट, अब इसके रिलेटेड एक हम लोग इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सी बेक्स देयर ओन ब्रेड एंड केक। राइट, ये खुद का ब्रेड बनाती है और खुद से ये केक बना लेती है ना, मीन्स इसको आता है, मीन्स माइक्रोवेव में इसको बनाना आता है, मीन्स बेक करती है। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, वह अपने ब्रेड और केक खुद बनाती है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट भाव को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बैकबाइट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बैकबाइट। फिर से एक बार, बैकबाइट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है चुगली करना या पीठ पीछे निंदा करना। हम लोग किसी की निंदा करते हैं पीठ पीछे, तो उसी को बोलता है मीन्स हम लोग उसका बैकबाइट कर रहे हैं। राइट, मीन्स सामने में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं उससे, लेकिन पीठ पीछे उसका क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टॉक मैलिक्योसली अबाउट समवन हु इज नॉट प्रेजेंट, मीन्स हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग एक दुष्टता भाव से हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स क्लियर हुआ कि बैकबाइट का वर्ड कहाँ यूज होता है। ओके, चलिए इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। बैकबाइट को पास्ट सिंपल में हम लोग क्या बोलेंगे? बैकबीट। पास्ट सिंपल में बैकबीटन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैकबीटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैकबीट्स। राइट, इससे रिलेटेड इसके एक फॉर्म्स सेंटेंस को देख लेते हैं हम लोग। दे बैकबाइट अबाउट देयर कलीग्स। राइट, वे अपने सहयोगियों के बारे में पीठ पीछे निंदा करते हैं। ओके, मीन्स कोवर्कर्स जो होते हैं हमारे, मीन्स कोई ऑफिसेस में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, उसके सारे जो तो मित्र होते हैं, स्टाफ मित्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं। और वो एक दूसरे के, किसी का वर्किंग रेट बहुत स्लो होता है, किसी का वर्किंग रेट बहुत हाई होता है, किसी का मॉडरेट होता है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से बुराई करते हैं, नहीं वो बहुत धीमे काम करता है, ये बहुत ये काम करता है, मीन्स समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड बैकबाइट। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैलेंस। किसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बैलेंस। फिर से एक बार, बैलेंस। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? संतुलन बनाना या संतुलित करना, किसी चीज़ को आप बैलेंस कर रहे हैं या आप कोई चीज़ से आप बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। पुट समथिंग इन स्टडी पोजीशन सो दैट इट डज नॉट फॉल, मीन्स वैसा जगह, मीन्स आप कोई भी चीज़ को रख रहे हैं, अपने आप को रख रहे हैं, जहाँ से आप गिरने की संभावना, उसका चांसेस कम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या उस चीज़ को बोलते हैं, मीन्स वो चीज़ को वो बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। राइट,
ऑफसेट और कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन थिंग टू विद अनदर। अनदर वे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक चीज़ को दूसरे चीज़ से बैलेंस करके कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को कि इतना हम खर्च किए तो इतना इनकम हुआ है, तो इस इनकम के अकॉर्डिंग कितना खर्च हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ बैलेंस कर रहे हैं, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। बैलेंस, पास्ट सिंपल में बैलेंस्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बैलेंस्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैलेंसिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैलेंसेस, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। सी फेल टू बैलेंस हर बॉडी, ये क्या कर रही है, एक कोई बॉल पे, मीन्स जो हमारा बॉल आता है बैलेंस करने वाला, वो बॉल पे क्या कर रही है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बट ये सी फेल्ड, मीन्स वो नाकाम रही इस चीज़ को, वो अपने शरीर को संतुलित करने में विफल रही, मीन्स नहीं कर पाई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैन, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बैन, फिर से एक बार बैन, फिर से एक बार बैन। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है प्रतिबंध, रोक लगाना या निषेध करना या रोकना, राइट। कोई भी चीज़ को हम लोग बैन कर रहे हैं, मीन्स कोई भी मीन्स नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस चीज़ को बैन कर रहे हैं कि उसका दुरुपयोग नहीं हो, उस जगह का दुरुपयोग नहीं हो, इस चीज़ों का दुरुपयोग नहीं हो, है ना, और कोई भी काम है सिस्टमेटिक वे में कर सकें कोई भी चीज़ को बैन करके, राइट। तो उस जगह पर हम लोग किसी को रोक के वो चीज़ करते हैं, मीन्स उस प्लेस को, उस जगह को, या फिर वैसे सिचुएशन में हम लोग सब कुछ बैन करते हैं, राइट। चलिए अब इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑफिशियली और लीगली प्रोहिबिट समथिंग, मीन्स वही बोल रहा है, ऑफिशियली या लीगली क्या होता है उसको, मीन्स एकदम निषेध कर दिया जाता है, मीन्स रोक दिया जाता है कि नहीं चलेगा तो मीन्स नहीं चलेगा। ओके, मीन्स बैन मीन्स बैन। इसका सारे फॉर्म्स देखते हैं। पास्ट सिंपल में बैन, पास्ट पार्टिसिपल में बैन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैनिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैंस, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। पार्किंग इज बैंड अराउंड द हार्बर इन समर, ये बोल रहा है जो ये हार्बर हमारा क्या होता है, ये एक तरह का बंदरगाह होता है, राइट, जो कि हम लोग सी वगैरह जो रहते हैं ना वहाँ पे बंदरगाह सारे जो सीप रुकते हैं वहाँ पे, तो ये क्या है, पार्किंग इज बैंड अराउंड द हार्बर इन समर, गर्मियों में बंदरगाह के आसपास पार्किंग प्रतिबंध है, राइट। चलिए ये तो गाड़ी अजीब ढंग से पार्किंग कर रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं बैंग, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बैंग, क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और, बैंग। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है गरजना या धम से बंद कर देना, धम से बंद कर देना, इट मीन्स कि गुस्से में आते हैं कोई भी दरवाजा और धम धम से बंद नहीं करते हैं, वो वाला धम हुआ, ठीक है, मीन्स हम लोग गुस्से में आके बैंग कर रहे हैं, मीन्स कोई भी चीज़ को बंद कर रहे हैं या फिर थपथपा दे रहे हैं, अपना मीन्स क्रोध प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने या जता रहे हैं, ठीक है। बहुत जन होता है, बहुत सारा मीन्स ऐसा ऐसा ऑब्सेसिव वर्ड यूज़ होता है या तो फिर साउंड क्रिएट होता है जो कि आपको फील हो जाएगा कि वो गुस्सा है या तो एनॉय हम लोग को लगने लगता है वो चीज़, ठीक है, उस प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज हम लोग को होता है, बैंग, क्या पढ़ेंगे इसको, बैंग। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग है स्ट्राइक और पुट डाउन समथिंग फोर्सफुली और नॉइजली, वही बहुत है, कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, बलपूर्वक कोई भी चीज़ को बजा रहे हैं या तो फिर हल्ला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बैंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बैंग्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैंगिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैंग्स, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है दे बिगेन टू बैंग द टेबल विद हिज फिस्ट, ये बोल रहे मुट्ठी से, यानी कि सभी लोग अपनी मुट्ठी से टेबल को पिटना शुरू कर दिए, होगा कोई कारण, कुछ मांग रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, तीन लोग क्या किया मुट्ठी से, हमको मुझे चाहिए लाइक दे देते बच्चों की तरह, ये टेबल्स में ही सब लोग नॉइज करना स्टार्ट कर दिए फोर्सफुली मीन्स बलपूर्वक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैनिस, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बैनिस, फिर से एक बार बैनिस। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है निर्वासित करना, देश निकाल देना या दूर करना, मीन्स कोई वैसा काम किया जाए किया होगा कोई, या तो कोई हो जाता होगा कोई, तो क्या करता है उसको, या उसको दरखास्त कर दिया जाता है, मीन्स एकदम हटा ही दो उसको, या तो देश से ही निकाल दो या घर से निकाल दो, ये वाला ये सीन होता है, ये वर्ड बहुत तो एग्रेसिवली वाला वर्ड है ना, मीन्स बैनिस, मीन्स को बैनिस करो। ओके, चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री प्लेस और एन ऑफिशियल पनिशमेंट, या कोई ऑफिशियल पनिशमेंट इन द सेंस कि कोई गवर्नमेंट जगह आपका वर्क कर रहा है या तो फिर कोई ऑफिसेस में वर्क कर रहा है तो उसको हमेशा के लिए दरखास्त कर दिया जाता है, मीन्स निकाल दिया जाता है, तो वही एक पनिशमेंट दिया जाता है उसको, लाइफ टाइम पनिशमेंट ही हो जाता है ना, मीन्स बैनिश। गेट रीड ऑफ समथिंग अनवांटेड, या तो फिर अपने दिमाग से कोई चीज़ को बैनिश करना होता है, इट मीन्स कोई ऐसा गंदा ख्याल आ रहा हो आपका दिमाग में, या तो फिर किसी के प्रति दुष्व्यवहार आ रहा होगा किसी के प्रति, है ना, या तो फिर कुछ कुविचार आ रहा होगा, तो उस चीज़ को हमेशा के लिए कैसे हटाएं, है ना, तो उस जगह पे क्या हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, बैनिश, मीन्स हर एक चीज़ को मिटा दिया जाए, मीन्स हर एक चीज़ को हटा दिया जाए हमेशा के लिए, ठीक है, मीन्स उस चीज़ को बैनिश कर दिया जाए, सबके
पास होता है, मीन्स सबके दिमाग में गंदा चीज़ चलता है, सबके दिमाग में अच्छा ही चलता है, लेकिन आप किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं वो आपका कैरेक्टर पर डिपेंड करता है और वही आपका फ्यूचर बनाता है, राइट। तो बैन वर्ड कहाँ हम लोग बैनिश वर्ड कहाँ यूज हुआ हम लोग को पता चल गया। चलिए इसी लिटरेचर के सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बैनिश्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बैनिश्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैनिशिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैनिशेस, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक सेंटेंस हमारा, अ नंबर ऑफ पीपल वर बैनिश्ड टू साइबेरिया फॉर पॉलिटिकल क्राइम्स। ये बोल रहा है राजनीतिक अपराधों के लिए कई लोगों को साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया था। मीन्स कोई पॉलिटिकल क्राइम वैसा किया हुआ है ग्रुप ऑफ पीपल, तो उन लोगों को सबको क्या किया, निर्वासित कर दिया गया उस कंट्री से, मीन्स हमेशा के लिए बैनिश कर दिया गया, राइट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेयर। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बेयर, फिर से एक बार बेयर, ओके। इसका हिंदी मीनिंग है नग्न करना, म्यान से निकालना, राइट। तलवार वगैरह जो हम लोग निकालते हैं म्यान से ना, इसलिए उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बेयर। अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, अनकवर अ पार्ट ऑफ द बॉडी और अदर थिंग्स। कोई भी चीज़ों का या भी कोई भी शरीर के एक पार्ट्स का हम लोग जब अनकवर करते हैं, मीन्स उसको शो करते हैं, तो उसको उस जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, बेयर, ओके। एक्सपोज टू व्यू, देखने के लिए, ओके। इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बेयर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बेयर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेयरिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेयर्सेस, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो हर स्कार। ये बोल रहा है कि इसके चेस्ट में क्या बोलते हैं, कोई छाती का निशान होगा, मीन्स कटा फटा, वो दिखाने के लिए क्या कर रहा है, मीन्स वहाँ सहला रहा है, मीन्स कटा होगा तो उसको दिखा भी रहा है सबको, राइट। तो ये वर्ड इस तरह यूज होता है हम लोगों का। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बाक। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बाक। इसका हिंदी मीनिंग भौंकना। ऑफ अ डॉग, फॉक्स और सील, ये सब जो जानवर हैं भौंकते हैं, राइट। अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बाक्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बाक्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बाकिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बाक्स, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को देखते हैं। अ डॉग बाक्ड एट हर, क्या बोल रहा है, एक कुत्ता उस पर भौंकता है, राइट। मीन्स उसको पहनावा ओढ़ावा कुछ वैसा होगा, या तो फिर उसको अनऑक्यूपेशियस लगता होगा, तो क्या करता है वो भौंकने लगता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और लास्ट वर्ड फॉर द डे, ओके। बास्क, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बास्क, फिर से एक बार बास्क, ओके। हिंदी मीनिंग क्या है, धूप सेकना, बना लेना, आनंद उठाना या तापना। मीन्स सुबह सुबह जब गर्मियों दिनों में हम लोग जब धूप लेते हैं तो क्या हम लोग को बहुत मजा आता है ना धूप लेने में, और अपने फ्रेंड्स के साथ लेते हैं ग्रुप में बैठ कर, तो भी और अच्छा लगता है ना। और क्या इसी को क्या बोलते हैं, मजा लेना और धूप सेकना या तापना। नाइट में हम लोग क्या करते हैं, इवनिंग में क्या बोलते हैं, चूल्हा वगैरह जब हम लोग ये करते हैं तो चूल्हा के चारों साइड हम लोग बैठे हुए रहते हैं परिवार वाले, और एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं हम लोग, है ना। तो फिर क्या होता है, मजा आता है, इसी को बोलते हैं सेकना, तापना, धूपना, धूप सेकना, राइट, बिस बास्क, ओके। चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग हमारा सेम थिंग वही कह रहा है, मीन्स प्लेजर की बात कर रहा है, खुशी, इससे हम लोग को आनंदित होते हैं, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बास्क। फॉर एग्जाम्पल टूरिस्टर लोग क्या करते हैं कि बीच किनारे धूप सेकने चले जाते हैं, मीन्स बीच में जो भी नहाए हुए हैं इंजॉय किए, उसके बाद क्या करते हैं, आके बालू की ओर अपना लेट जाते हैं, मीन्स धूप लेते हैं ऑयल वगैरह लगा के, है ना। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड सारे इसके फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बास्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बास्क्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बास्किंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बास्क्स, राइट। इससे रिलेटेड इसके सिक्स सेंटेंस देख लेते हैं। टूरिस्ट वर बास्किंग ऑन द बीचेस, राइट, मीन्स पर्यटक समुद्र तटों पर मस्ती कर रहे थे, राइट। इन लोग इंजॉय इसी तरह करते हैं, और शायद हम लोग भी कहीं पे जाएं, कोई अदर कंट्री, अंडमान निकोबार वगैरह, तो क्या करते हैं हम लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं, मीन्स इंजॉय का पर्पज से ही मूड ही वही होता है कि हम लोग को इंजॉय करना है, मीन्स इंजॉय के पर्पज से यही सब होने लगता है ना। तो इस तरह हम लोगों ने फिर से आज के 10 वर्ड कंप्लीट किए और अपना टारगेट धीरे धीरे अचीव करने जा रहे हैं। आज हम लोग सेंचुरी मार दिए हैं, मीन सेंचुरी इन द सेंस कि 100 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वर्ब्स के, और डे बाय डे हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। एक एक वर्ड को क्या करना है, फिर से हम लोग को रिविज़न में आ जाना है। एक बार आप लोग फिर से 1 सीरीज से स्टार्ट कीजिए और 100 वर्ड्स तक आइए, एक एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए। अब बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं बोला लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि 100 जो वर्ड्स था एक बार आप रिवाइज कर लिए फिर से, कि कौन सा भूलें कौन सा है। इस तरह कर करके क्या करेंगे, 10 डेज आफ्टर, 20 डेज आफ्टर, 30 डेज आफ्टर, 40 डेज, एक एक बार रिविज़न से वो परमानेंटली हमारा, मीन्स परमानेंट मेमोरी में हमारा चला जाएगा सारा वर्ड्स, और हम लोग को इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में क्या होगा, बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है ना। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। एक बार में तो होगा नहीं, मैंने कुछ कुछ मॉडरेट वर्ड भी लिए, कुछ कुछ लाइट वर्ड भी लिए, मीन्स हल्का हल्का वर्ड्स, उसमें सेंटेंस बनाए, उसके सारे फॉर्म्स को देख रहे हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग्स को देख रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स जितना हो सके मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और इन फ्यूचर बेस्ट देता रहूँगा, है ना। मीन्स जितना हो सके हमसे, जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरी एबिलिटी है, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, ओके। सो थैंक यू फॉर द डे,
एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो ऑलवेज, ओके। और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें, ग्रोथ रेट मेरे चैनल का बहुत ही लो है। अब जो भी कर सकते हैं आप लोग ही कर सकते हैं, इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू एवरी वन, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर माई चैनल लिंक, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू क्लास।